हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर स्पोर्ट्स एंड इंजरी में ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट स्टार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, यानी कि आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में अपलोड किया है। तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो बिल्कुल वहां पे जाकर आप देखें, ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के कितने पार्ट्स हैं एंड व्हाट दे आर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ एब्रेशन की। पहला टाइप होता है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, जैसे रगड़ लग जाती है चोट की, आप कहीं पर फिसल जाओ या घिसर जाओ और तब जो चोट आपके घुटने पर या फिर आपके किसी भी स्किन के पार्ट में लग जाए चोट, तो उसे हम कहते हैं अब्रेशन। क्लीन अब्रेशन को आप ट्रीट कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहला होता है क्लीन द इन्फेक्टेड एरिया विद ल्यूक वार्म वाटर। गुनगुने पानी से आप इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन करें, उसे साफ करें, एंड देन रिमूव द डर्ट विद स्टरलाइज ग्वेज। स्टरलाइज ग्वेज आपका होता है बहुत ही पतला सा क्लोथ होता है, अक्सर ये आपका हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है, जिसको यूज करके इन्फेक्टेड एरिया को साफ किया जाता है। ठीक है, ब्लड वगैरह को भी साफ किया जाता है जब हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो बहुत थिन सा कपड़ा होता है आपका, उसे हम कहते हैं स्टरलाइज ग्वेज। तो इससे आपको डर्ट रिमूव करनी है, उसके बाद होल्ड इट अंडर क्लीन रनिंग वाटर। इसके बाद उस चोट को जो क्लीन रनिंग वाटर आपका है, नल चला के उस चोट को आपको नल के नीचे करना है, उसके बाद ड्राई इट विद स्टरलाइज ग्वेज। उसके बाद इसी स्टरलाइज ग्वेज जो क्लोथ है, इससे आप उस एरिया को, उस इन्फेक्टेड एरिया को सुखा लीजिए। देन अप्लाई अ लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर कोई भी लिक्विड जो हो वो उस चोट पर अप्लाई करें आप अच्छे से, जहां जहां वो रबिंग लगी हुई है। देन ड्रेस द वाउंड, यानी कि उसके ऊपर अगर पट्टी वगैरह की जरूरत है तो उसे उस वाउंड को कवर कर दीजिए। विजिट टू डॉक्टर फॉर ड्रेसिंग एंड टिटनेस, और इसके बाद डॉक्टर के पास जाएं और उसकी ड्रेसिंग करें और टिटनेस, फाइनली टिटनेस इंजेक्शन जो होता है वो लगवा लें। चेंज दी ड्रेसिंग एज पर डॉक्टर्स डायरेक्शन, अगर चोट ऐसी है कि उसकी बार बार ड्रेसिंग होनी है तो जैसा डॉक्टर एडवाइस करे उस हिसाब से ड्रेसिंग करना, यानी कि रोज पट्टी को चेंज करना, रोज उसके उसमें दोबारा से दवा लगाना और फिर उसे क्लोज करना, तो ये ड्रेसिंग का प्रोसेस होता है, तो वो भी करना चाहिए। तो ये हो गया अगर एब्रेशन हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करने हैं। दूसरा आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्यूशन पे। कॉन्ट्यूशन जो होता है वो आपका क्या हो, कौन सी चोट होती है, मेनली आपकी स्वेलिंग जो हो जाती है शरीर में, कहीं पे भी चोट लगने पे इन्फेक्टेड एरिया स्वेल कर जाए, स्वेलिंग हो जाए उस एरिया को, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्यूशन। इसमें क्या करना होता है, अप्लाई कोल्ड कॉम्प्रेशन ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहां पे भी वो सूजन हुई है वहां पर कोल्ड कॉम्प्रेशन यानी आइस जो होती है उसे उस सूजन वाली जगह पे आप रखें, उसे अप्लाई करें तुरंत जैसे ही चोट लग जाए। शुड बी डन 5 to 6 टाइम्स डेली, और ये काम 5 से 6 बार दिन भर में जरूर करना चाहिए जहां पर स्वेलिंग हुई है, जहां पर आपको चोट लग गई है। उसके बाद बट नॉट मोर देन 20 मिनट एट ईच टाइम, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो आप दिन भर में उसको 5-6 बार तो करें, लेकिन वो आईज आप 20 मिनट से ज्यादा अपनी उस चोट पर ना रखें, अदरवाइज उसका अपोजिट रिएक्शन हो सकता है कि बहुत देर तक स्किन पर आपके आईज रखी हुई है। देन इफ स्वेलिंग इज मोर देन यूजुअल देन यूज एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, अगर जो स्वेलिंग है वो बहुत ज्यादा है तो उस केस में मेडिसिन जो आती है आपकी स्वेलिंग पे ट्यूब वगैरह लगाने के लिए, वो सारी सूजन के लिए ट्यूब जो अलग अलग होती है, वो जैसे मूव वगैरह आपका होता है, वो आप स्वेलिंग एरिया में लगा सकते हैं, बेटर ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर। लेकिन ये मेडिसिन तभी लगानी चाहिए जब आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हो अपने मन से, नहीं तो स्वेलिंग वगैरह कम करने के लिए जो आपके ट्यूब्स आते हैं, जेल आता है, वो लगाया जा सकता है। देन रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस शुड बी डन लाइक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, और जब रिहेबिलेट करने लगे आपकी चोट, यानी कि अब सूजन कम हो रही है, सूजन काफी कम हो गई है और आपको भी आराम है, तो अपने उतने एरिया को जितना एरिया इन्फेक्टेड था उसको वापस रिहेबिलेट करने के लिए, यानी वापस एक्टिव पोजीशन में लाने के लिए, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपको उस जगह पर करनी चाहिए या उसके मूवमेंट से करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाथ में अगर चोट लगी और स्वेलिंग हो गई है तो कुछ टाइम बाद हाथ से रिलेटेड थोड़ी लाइटर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि वो एरिया आपका फ्लेक्सिबल हो जाए। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लैसरेशन। लैसरेशन का मीनिंग होता है
जब चोट बहुत कस के लग जाए, कोई कट हो वो शरीर में बहुत कस के लग जाए, जिससे एक बहुत ही आपकी स्किन काफी ज्यादा अलग हो जाए, ठीक है, यानी आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओपन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लैसरेशन। ठीक, जैसे किसी बड़े औजार से किसी हाथ पर चोट वोट लग जाए, ब्लेड वाली चीज से चोट लग जाए, तो वो लैसरेशन होता है। ये आपका इंसेशन से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। इंसेशन होता है ब्लेड का कट लग जाना, और लैसरेशन होता है किसी बड़ी सी चीज का कट लग जाना, जिससे स्किन काफी ज्यादा डीप डाउन कट हो गई है। तो उसे कैसे ट्रीट करना है? स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द लैसरेशन और होल्डिंग इट अबव द हार्ट लेवल फॉर 15 मिनट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जहां पे ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को कस के दबाना है, उस एरिया की ब्लीडिंग को हर हालत में रोकना है। हार्ट लेवल फॉर 15 मिनट, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आपके सपोज हाथ में लैसरेशन, यहाँ पे कहीं लैसरेशन हो गया, बहुत कस के डीप डाउन कटिंग हो गई है बहुत ज्यादा, तो उस केस में आपको हाथ उठा लेना है। हाथ उठा लेने से ये होगा कि आपका जो ब्लड है वो नीचे गिरने की जगह उसका फ्लो चेंज हो जाएगा और वो वापस ऊपर की ओर ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो ब्लड फ्लो नीचे ना हो, यानी जख्म जो आपका हुआ है उससे बाहर ना निकले, उसके लिए आप अपने हाथ को या पैर को जहां पे भी चोट लगी है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में उठा लें, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो उसे हम कहते हैं कि हार्ट लेवल फॉर 15, होल्डिंग इट अबव हार्ट लेवल ऑफ फॉर 15 मिनट। तो यानी उस जख्म की ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में उस एरिया को उठा दीजिए, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो ये काम करना है व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप, और जब आपके ये काम करने से ब्लीडिंग रुक जाए, देन वॉश द एरिया विद ल्यूक वार्म वाटर एंड और क्लेंजर। उसके बाद आप उस एरिया को ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुने पानी से साफ कर लें, या फिर क्लेंजर आपके पास कोई है तो उससे साफ कर लें। थर्ड स्टेप है, इन माइनर केसेस अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड कवर इट विद बैंडेज। अगर नॉर्मल चोट लगी है, बहुत ज्यादा डीप डाउन कट नहीं है, तो उस केस में आप एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर कोई भी डिटॉल वगैरह जो लिक्विड्स होते हैं वो लगा लीजिए और बैंडेज लगा लीजिए। दूसरा है इन डीप लैसरेशन, लेकिन अगर बहुत कस के चोट लगी है, बहुत ज्यादा कट हो गया है, लैसरेशन हो गया है, स्टिचेस आर रिक्वायर्ड, तो उस केस में स्टिचेस की जरूरत होती है, कि बहुत ज्यादा चोट लगी है तो स्टिचेस से स्किन को बांधने के लिए, स्किन के वाउंड को बांधने के लिए स्टिचेस करने पड़ते हैं, जो कि डॉक्टर ही आपका करता है। तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए और स्टिचेस करवाइए। नेक्स्ट, स्टेरिलाइज गैस शुड बी प्लेस्ड ओवर द वाउंड एंड टेप, और जहां पे कट हुआ है वहां पे स्टेरिलाइज गैस जो है आपका क्लोथ जो है उसको रखिए, उसके बाद पट्टी से उसको अच्छे से वाउंड को कवर कर दीजिए। चेंज द ड्रेसिंग रेगुलरली एंड क्लेंजिंग ऑल्सो टू बी डन, और इस लैसरेशन जहां पे हो जाता है उसको रेगुलरली उसकी ड्रेसिंग करना जरूरी है। अगर आप देखें कि कहीं पे पट्टी वट्टी बन के लैसरेशन की वजह से आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, तो उसे हर रोज पट्टी वगैरह चेंज करना जरूरी होता है, कि कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, तो वो काम रेगुलरली होना चाहिए, और घाव को भी रेगुलरली साफ करना चाहिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन पेन किलर शुड बी टेकन एज एडवाइज बाय डॉक्टर, और अगर पेन बहुत ज्यादा है तो उस केस में पेन किलर्स वगैरह, या डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन आपको सजेस्ट करता है, एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करता है, तो वो भी लेने चाहिए। तो ये है आपका टोटल लैसरेशन का ट्रीटमेंट। आते हैं नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंसिशन। मैंने आप पहले ही बताया है कि लैसरेशन से थोड़ा कम होता है इंसिशन। लैसरेशन होता है कि बहुत कस के चोट लग गई है, डीप चोट लग गई, स्किन आपकी काफी अलग हो गई है ब्लेड की किसी चीज से लग जाने की वजह से, और इंसेशन होता है कि हल्की फुल्की कट लग गया, जैसे ब्लेड वगैरह जो लग जाता है वो ब्लेड लग गया है, तो वो आपका इंसेशन कहलाता है। उसे कैसे ट्रीट करना है, द वाउंड इज शैलो, अगर वो ब्लेड बहुत डीप लग गई है चोट में, आपके चोट काफी ब्लेड से डीप कटिंग हो गई है, देन लेट द ब्लड कम आउट एज इट रिमूव्स जर्म्स, तो उस खून को थोड़ा बाहर निकलने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लेड लग गई है अगर कहीं और खून निकल रहा है, तो उसको दबा के थोड़ा खून ना आप बाहर निकाल ही दीजिए, कि वो उतना जर्म्स वाला एरिया जो है वो ब्लड के थ्रू शरीर से बाहर निकल आए। क्लीन दी वाउंड विद स्पिरिट, और स्पिरिट से वाउंड को क्लीन कर लीजिए, रुई और स्पिरिट से अपनी चोट को साफ कर लीजिए। प्लेस अ पीस ऑफ कॉटन ऑन दी एरिया एंड रैप इट विद बैंडेज, और कॉटन का एक पीस रखिए अपनी चोट पर और उसको बैंडेज से कवर कर दीजिए। ध्यान रखिए कि बैंडेज आप बहुत टाइट बांधें, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो उस केस में जो बैंडेज बांधे वो बहुत कस के बांधे, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए अच्छे तरीके से। देन उसके बाद गेट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली इफ द इंजेक्शन इज टू डीप,
और अगर आपका ये इंसिशन बहुत डीप हुआ है तो एक बार डॉक्टर को भी उसको जरूर दिखा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एंटीसेप्टिक वगैरह ना हो जाए तो उस केस में टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह लगना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ब्लेड वगैरह लोहे की चीज होती है। सो मेडिकल हेल्प भी आप ले लीजिए। ये हो गए आपके इंसेशन के ट्रीटमेंट। तो मैंने आज आपके साथ एब्रेशन डिस्कस किया, कॉन्ट्यूशन डिस्कस किया, लैसरेशन और इंसेशन डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट फॉर स्प्रेन डिस्कस करेंगे आपके साथ, और स्ट्रेन का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस डेली मिलते रहें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।